1999 के समय जब इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रही कारगिल वॉर अपनी चरम सीमा पर थी, तब एक सोल्जर घायल जमीन पर पड़ा अपना दम तोड़ रहा था। उसे एक गोली लगी थी और उसका बहुत सारा खून बह चुका था। उसके दूसरे साथियों का ध्यान दुश्मनों से लड़ने में था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसे ये पूरा यकीन हो गया था कि आज वो अपने देश के लिए शहीद हो जाएगा, लेकिन अफसोस, उसकी ये मनोकामना इंडिया की पहली महिला इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना ने पूरी नहीं होने दी। गुंजन सक्सेना ने उसे अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। गुंजन ने उसी सोल्जर की तरह न जाने कितने सैकड़ों सोल्जर्स की जान बचाई, जो कि युद्ध के मैदान में घायल होकर जीने की सारी आस छोड़ चुके थे। गुंजन चीता नाम का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। उसी हेलीकॉप्टर में श्री विद्या राजन के साथ बैठकर घायल सोल्जर्स को हॉस्पिटल ले जाती थी। उन्हें ऑपरेशन विजय का मिशन दिया गया। वो सोल्जर्स के लिए सप्लाईज लेकर जाती थी ताकि युद्ध में फंसे सोल्जर्स को खाना और फर्स्ट एड जैसी चीजें मिल सके। गुंजन सक्सेना के पिता और भाई दोनों ही आर्मी में थे, जिसकी वजह से गुंजन ने भी बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था, अपने देश के लिए फाइटर जेट उड़ाने का। ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से करते हुए ही उन्होंने सफदरजंग फ्लाइंग क्लब से प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले ली थी। उस समय जब लड़कियों को वॉर जोन में फाइटर जेट उड़ाने नहीं दिया जाता था और ये माना जाता था कि लड़कियां जेट को ढंग से हैंडल नहीं कर पाती, तब गुंजन एयरफोर्स में सिलेक्ट होकर इंडिया की पहली फीमेल पायलट बनी। उन्होंने पूरे देश को एक इंस्पिरेशन दी और लड़कियों के प्रति लोगों की सोच को भी बदला। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब युद्ध के मैदान में उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ा। 99 की कारगिल वॉर में एक तरफ जहां गुंजन अपनी साथी श्री विद्या के साथ चीता में बैठकर पाकिस्तानी सोल्जर्स के ठिकानों का पता लगा रही थी, वहीं पाकिस्तानी सोल्जर्स हवा में उड़ने वाली किसी भी चीज को देखते ही उसे निशाना बना रहे थे। गुंजन पहाड़ों के बीच से अपने चीता हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ रही थी। तभी कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उन्हें देख लिया और उन पर जमकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक पाकिस्तानी सोल्जर ने चीता को टारगेट बना उस पर मिसाइल तक छोड़ दी। गुंजन को पूरा यकीन हो गया था कि वो आज शहीद हो जाएंगी। उन्होंने अपने साथ एक फुल्ली लोडेड अजोल्ट राइफल यानी एक लाइट मशीन गन रखी थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश भी करेगा तो भी वो दो चार दुश्मनों को तो मारकर ही शहीद होंगी। लेकिन अफसोस, उनकी भी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई और खुशकिस्मती से उनका हेलीकॉप्टर उस मिसाइल से बाल बाल बचा और वो जिंदा वापस आ गई। गुंजन को अपनी इन बहादुरी भरे कामों के लिए शौर्य वीर चक्र दिया गया। वो इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2004 में वो अपने 7 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो गई। उनसे जब पूछा गया कि इतने खतरनाक युद्ध के माहौल में वो क्या चीज थी जिसने उन्हें हिम्मत और साहस की प्रेरणा दी, इस पर गुंजन ने कहा, एक फाइटर जेट पायलट के लिए वॉर जोन में अपने देश के लिए प्लेन उड़ाना एक जबरदस्त फीलिंग है और किसी मरते हुए की जान बचाना ही मेरा काम है और मेरा सुकून भी। आज गुंजन 45 साल की है और अपनी फैमिली के साथ एक सुकून की जिंदगी बिता रही है। गुंजन ने अपने कारनामों से यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं होती। गुंजन सक्सेना को एनिमेटेड इंडियन का सलाम। अगर आपको गुंजन सक्सेना की कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपको ऐसे ही हीरोइक स्टोरीज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल एनिमेटेड इंडियन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंडिया और वर्ल्ड हीरोज की इंस्पिरेशनल स्टोरीज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।